वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे गेट इंस्टॉल। आज की इस एक और नई वीडियो के अंदर मैं कराने वाला हूँ एक छोटा सा, जी हाँ, दुख दर्द या फिर कह सकते हो अपनी कार के अंदर एक चेंज। वो चेंज क्या होने वाला है, वो है एक चैलेंज है भाई, गो मैकेनिक, जिसको हम बोल सकते हैं गो मैकेनिक गो स्मैश चैलेंज। उम्मीद है कुछ दूसरे चैनल्स पे आपने वीडियो देखी हो। आज मैं इस चैलेंज को जा रहा हूँ करने गो मैकेनिक की सिलेक्ट वर्कशॉप के ऊपर, और मैंने एक्चुअली अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ बुक कर ली है, तभी मैं जा रहा हूँ। आप भी कभी जा रहे हो तो बुक कर ही जाना। मैं आज करवाने क्या वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हम कुछ वक्त में जाएंगे अपने रोड ट्रिप के ऊपर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई विंडशील्ड जो है अपनी कार की बेस्ट होनी चाहिए, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी कार की विंडशील्ड के ऊपर न जाने कितने हजारों लाखों स्क्रैचेस हो चुके हैं, फिल मार्क्स हो चुके हैं। तो अपोजिट साइड से जब भी कभी कोई गाड़ी आ रही होती है तो यहाँ सामने की तरफ हो जाता है पूरा का पूरा भाई ब्लाइंड एकदम, तो मेरे को ढंग से उसमें नजर नहीं आता, कार चलाने में प्रॉब्लम होती है। एक बार भाई पास आना। काफी जगह अगर बात करूँ तो स्क्रैचेस के साथ रोड चिपिंग भी हो रखी है, यहाँ स्क्रैचेस है, तो ये इतनी ज्यादा मुझे इरिटेट करती है। इसी के साथ ही शीशे की एज काफी हो चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं कि शीशे की एज हो तो ही चेंज कराना है। एक्चुअली में मेरे शीशे के ऊपर स्क्रैच मार्क्स बहुत है, तो मैं चाहता हूँ बेसिकली अपने शीशे को एक तो रिप्लेस करवा देना, और उसके साथ ही साथ मेरी इसके अंदर इस किनारे के अंदर अगर कोई इश्यू हो तो वो एक्चुअली मैं चेक मैं करवा दूंगा। तो फटाफट मैं चलता हूँ गो मैकेनिक की सिलेक्ट वर्कशॉप के ऊपर, फिर मिलता हूँ आपसे। क्योंकि मैंने आज अपना एक पुराना एक छोटा सा सपना था हमारा, आपको याद होगा अविनाश, तेरे को याद है जब हमारे पास सेंट्रो हुआ करती थी, तो हमने अपने बचपने में सोचा था कि जब भी हम उसकी स्क्रीन रिप्लेस कराएंगे, जब मैं एक तरफ करके कार को चलाया करता था, हमने कहा था जब हम उसे एक्चुअली में रिप्लेस करेंगे अपनी कार को, तो हम उसे पहले बेसबॉल बैट से फोड़ेंगे। और वो बात है कितने 3-4 साल हो चुके होंगे, तो 3-4 साल पहले हमने सोचा था कि बेसबॉल बैट से फोड़ेंगे, भले हम अपनी कार को प्यार करते हैं, लेकिन फॉर क्रिएटिंग एंटरटेनिंग कंटेंट फॉर यू गाइज हम अपनी विंडशील्ड को तोड़ेंगे और साथ ही साथ उसको चेंज भी कराएंगे। बीइंग एज अ कार गाय, एक बहुत दुख भरी बात है कि अपनी कार के ऊपर बेसबॉल से हिट करना या फिर किसी डंडे से हिट करके अपनी विंडशील्ड तोड़ना, बट एट दैट सेम टाइम हम विंडशील्ड को रिप्लेस भी करवा रहे हैं। तो भाई आज वो सेंट्रो में तो नहीं कर पाए सपना पूरा, आज अपनी इस कार में जरूर कर लेंगे। तो भाई फटाफट चलते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको गो मैकेनिक से कोई सर्विस चाहिए हो तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको आपकी कार की रिपेयरिंग सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ वो देता ही देता है। चलते हैं, वहाँ बात करते हैं, आइए फटाफट। दिमाग उसका सारा का सारा फोन में, ठीक है, और कार चल रही है उसकी, नीचे मुंह है। दो बार उस बंदे ने हमको ठोक के उसकी गाड़ी में। पुरानी वैगनार 6-8 मॉडल होगी, 8,000 से ज्यादा। रोड पे जिनकी कोई वैल्यू नहीं ना, ऐसे लोगों को तो लाइसेंस ही रद्द करना चाहिए मेरे हिसाब से, सीधा सीधा वो ज्यादा बढ़िया रहता है। देख रहा है HR 26 07 07 गुड़गांव वालों पे है भाई इतना पैसा, HR 98 भाई गुड़गांव वालों पे इतना पैसा, पंजाब वालों पे भी तो है ना 3224 देख ले, खास नहीं है भाई। जरा इस ट्रक वाले की हरकत देखो, ये सुजुकी वाले की, आपको दिखा दूंगा अगर हो सके तो। भाई मेरी साइड से इतना गंदा कट मार के लेके गया ना, पता नहीं कौन सी हवा रहती है अपनी बिल्लों को देख के ना, लोगों के मन में पता नहीं कौन सा पंप आता रहता है। कोई भी चलते फिरते ऐसे हाथ निकाल के ऐसे ऐसे कर रहा होता है, कोई भी कुछ भी कटवट मारने लग जाता है आगे लग के, मतलब क्या भाई, मैं अपना आराम से चल रहा हूँ, क्यों लोगों को मुझे पंगेबाजी लेने की आदत है, मुझे समझ नहीं आता। गलत है यार, ये चीज नहीं करना चाहिए यार, मैं आराम से चल रहा हूँ अपना, कट मार मार के निकल लो मेरे आगे से हवाबाजी। अच्छे काम कराने के लिए ना कभी कभी देखो ऐसे टूटे फूटे रास्ते से जाना पड़ता है। अगर मेरे दोस्त होते ना जिनकी कार लोवर है, वो यहाँ नहीं आते, वो मना कर देते एकदम ही, कहते भाई हमने कराना ही नहीं अपना शीशा पीछा रिप्लेस, खा मखा मेरी कार नीचे वीचे से लग जाएगी। तुम्हारा भाई इतना घबराता नहीं है, निकाल देता यार, तुम्हारा भाई इतना घबराता नहीं है ऐसी चीज़ों से। और यहाँ आने के लिए ना एक छठी एग्जिट से, गुड़गांव से आ रहे हो ना, छठी एग्जिट से एग्जिट लेके यूं काट के ऐसे गोल धारा मार के फिर जाना पड़ता है। जगह का नाम है गो मैकेनिक ल्यूक्स वर्कशॉप करके है, वही है। तो यहाँ से यू टर्न मारते हैं, अंदर घुसो, यहाँ से फिर राइट लो, राइट लेते के साथ ही लेफ्ट में पड़ जाती है, यहाँ से ऐसे फिर लेफ्ट लेना पड़ता है इंडिकेटर देके, बिना इंडिकेटर देके हम मुड़ते नहीं, क्योंकि इफ्को नगर का ये पड़ता है, यहाँ से मुड़े इफ्को चौक, इफ्को नगर है यहाँ, वो है इफ्को नगर का कुछ है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे लेफ्ट में पड़ जाती है, ये देखो ये ख़त्म हो रही है ना यहाँ 1.1 किलोमीटर पे, तो
लंबा चौड़ा काम होएगा थोड़ा सा। चलो भाई, हम ऑलमोस्ट अराइव कर ही चुके हैं और इधर ही पड़ेगी ये हो रही, देखो हो रही है, इसे दिख गई ये मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर। ये किसकी मॉडिफाइड गाड़ी टूटी पड़ी है, देखिए भाई, मॉडिफाइड तो नहीं है, थोड़ी बहुत टूटी होती है। भाई गलती सीन हो गया आते हुए, ये अपना स्टेटर खुल के पीछे की तरफ रोटेट हो गया। खैर इसको तो हम जुड़वा देंगे, बहुत कड़े वाली धूप हो रही है आज। एक चीज और बता दूं आपको, ये चैलेंज करने के लिए मुझे नॉमिनेट किया है HSB ऑफिशियल ने, कराया तो भाई कुछ ना कुछ करके ही उतरेंगे, मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा तो बात की बात है। मेरे को दुख तो बहुत होगा आज, कैसे कैसे चैलेंज दे देते पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। तो इसको तो हम ठीक कराएंगे इसको भी ठीक कराएंगे, अपनी कार को पूरा सेटअप कर लूं, इसकी श्रीनगर फोड़ते हैं, अंदर से सही ढंग से कवर ओवर करवाएंगे ताकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम इसके साथ ऐसे गरम कांड करेंगे। तो भाई फाइनली अपनी विंडशील्ड आ गई है, खैर इसके बाद भी मैं एक यूट्यूबर को करूंगा नॉमिनेट ताकि वो आए और अपनी विंडशील्ड को तोड़े। ये इसके अंदर एक्चुअली में कंपनी वाली लगी हुई थी, सेंट गोबिन की होगी जो नहीं लगेगी। कार को यहाँ थोड़ी सी धूप और अंदर लेके चलते फिर फोड़ते आ जाओ। कार के अंदर प्रेपरेशन करी जा रही है, प्रेपरेशन इन द सेंस कपड़े कुपड़े इस पे डैशबोर्ड पे ढका जाएगा और मैंने वहाँ पे कैमरा एंगल लगाया है ताकि भाई आपको थोड़ा सा कूल लगे देखने में गोप्रो से हमारी स्क्रीन को फूटते हुए, दुख भरा मोमेंट है मेरे लिए, लेकिन खैर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। देखो हमने स्टेयरिंग भी अपना छुपा दिया, ये रहा भाई अपना सोनू, और ये सोनू अपने पास सालों से है, ये तब से जब हमने गाड़ी ली तब से है भाई, तो मैं तो फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। आज भी थोड़ा सा काम आने वाला है, आज इसका इस्तेमाल होगा। और देखो वैसे तो मैं इसको हर जगह यूज नहीं करता हूँ, लेकिन आज इस काम के लिए यूज करूंगा, अपनी कार के लिए सेल्फ इंजरी करूंगा। और वो रही हमारी आई हुई नई विंडशील्ड, इधर रखी हुई है ये, ठीक है भाई। तो ये सेम ही है, इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए सारे बंदोबस्त हो ही गए हैं, और जो नई लगेगी वो रही दी ओरिजिनल स्पेयर पार्ट सेंट गोबिन, यहाँ देख सकते हो, जो इसके अंदर हम चेंज करके लगाएंगे। दो चीजें हैं जो नई ऑर्डर करनी पड़ेंगी, पहले हमारा फास्ट टैग और दूसरा हमारा जो ये कार की रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए जो होता है डैशबोर्ड, ढक गया पूरा का पूरा, फास्ट टैग निकल गया लेकिन ये किसी काम नहीं आएगा, वो तो खराब ही हो गया ऑलमोस्ट। तो हमारी स्क्रीन शील्ड चेंज कराने के चक्कर में दो चीजें नहीं आएंगी, एक ये भी नहीं रहा मेरा ये मोबाइल माउंटर, ये भी हटवाओ ना, ये मोबाइल होल्डर हटा। हाँ दो है, दो लग रहे भैया, दिल से बुरा लग रहा है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई देखो ये चुकी है अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन या विंड स्क्रीन चकनाचूर, ये भी भड़ास निकाल ला थोड़ी बहुत। तो भाई बुरा लगा मेरे को थोड़ा सा, लेकिन मुझे अभी इसे चेंज कराना है आपको, पहले इसलिए मैंने दिखा दिया था, मैं लेके आ रखता हूँ, हेट कमेंट मत करना इस चीज़ से बिल्कुल भी, उम्मीद है आपको अंदर से पसंद आया। चलो भाई अब एक चीज दिखा, तो आ जाओ फटाफट, यहाँ देखो यहाँ सारे में कांच हो गया, जो पुराना शीशा है वो AIS का है, यहाँ 12 लिखा 2012 का है, ISI का है, Part 2, ये सारी डिटेल्स है इसकी। जो नया शीशा लगाएंगे वो सेंट गोबिन का है, AIS से बढ़िया कंपनी। अपना सोनू भाई बढ़िया वेल परफॉर्म करके गया है, एकदम नाम करके गया सोनू अपना। अंदर की तरफ अगर आप देखोगे ना भाई, पूरे में कांच हो चुका है अपनी कार के अंदर ना, पूरा स्टीरियो यहाँ देखो यहाँ, और एक बार लाइट जला लू, पूरे में कांच हो चुका है यहाँ सारे में, ठीक है भाई। तो पीछे भी हो रखा है, ऐसी बात नहीं है, इधर देख लो पीछे में भी हो रखा है। तो गाड़ी का जब विंडशील्ड चेंज हो जाएगा, चेंज कराने के साथ ही मैं सारी की सारे ये जितनी भी कार है पूरी वैक्यूम करा के साफ ऑफ करा के क्लीन करा के ही लेके जाऊंगा। सोनू भाई को साइड रख देते अपने, जो भी प्रिपरेशन का काम है इसे उतारने का सारा, इसकी बिटिंग सब खोलेंगे फिर इसे चेंज करेंगे। Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars.
heart, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me get. Subscribe karwate hue. और भाई याद रखो, अगर आप भी कर रहे हो ना तो यहाँ पर आता है अपना ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी चल भैया, ये हो गया चैनल सब्सक्राइब। फाइनली भाई हमारी बिल्लो के ऊपर विंडस्क्रीन लगकर है रेडी। अब ये चुकी है सूख अच्छे ढंग से, तो अब हमने इसको धोने का काम करना है चालू, क्योंकि हाँ बैट वैट से मारने की वजह से इसके शीशे वीशे जो थे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे भी लगे थे और गाड़ी गंदी भी हो चुकी है। तो इधर की तरफ ही गो मैकेनिक आपको वॉशिंग जैसी सर्विसेज भी देता है, वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग, टायर रिप्लेसमेंट, विंडशील्ड रिप्लेसमेंट, कार की सर्विस, कार के मैकेनिकल वर्क सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस क्लेम में भी करवा सकते हो काम, डेंटिंग पेंटिंग का भी करवा सकते हो काम। तो ये इसकी कुछ USP है, बाकी लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप भी चेकआउट करवा सकते हो। चिकनी चुपड़ी करा के फिर लेके जाएंगे इसको। मस्त एकदम अपनी कार की विंडशील्ड वापस लग चुकी है, नई की नई तैयार। प्लीज मुझे हेट कमेंट मत देना, जितने सेंटिमेंट्स आपके इस कार के साथ जुड़े हुए हैं उतने मेरे जुड़े हुए हैं बिल्लो के साथ। मुझे कोई दिल से खुशी नहीं हुई इसकी विंडस्क्रीन तोड़कर, लेकिन हाँ मैं चाहता था कि रोड पर जो चिपिंग हो रखी थी छोटी छोटी, जो छोटे छोटे स्क्रैचेस थे, जो छोटे छोटे स्विल मार्क्स बन रखे थे, उन सबको रिमूव करा के इसमें बेहतरीन तरीके से इसको चेंज करवा दूं। यहाँ पर मिलती है हमें एक्सपर्ट कार सर्विस, साथ ही साथ आप अपनी कार की विंडशील्ड वगैरह चेंज करा सकते हो। तो अब अपनी फाइनली विंडस्क्रीन पीछे लग चुकी है भाई। गो स्मैश चैलेंज मेरा तो हो चुका है पूरा, तुम्हारा भाई ने फुल जान से तोड़ा, लेकिन मेरा मन नहीं था ये काम करने का, करना पड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और जो ना हो वो भी होना पड़ता है। तो भाई आज हमने अपनी विंडस्क्रीन तोड़ी, दूसरी लगवा दी हैंड टू हैंड। मैं आज ही सेम डे पे अपनी कार को वापस लेके जाऊंगा, मुझे पता है कि इसे मैं ले जा सकता हूँ, इस लाइक कैपेबल है कार को। मैंने ढंग से मतलब अभी थोड़े बहुत हीट लगवा दिए, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं एक आध दिन तक कार को मत हिलाओ मत चलाओ। अभी मैं सीधा घर ले जाऊंगा, चुपचाप बाय रोड जाऊंगा, आराम से ले जाके गाड़ी को कर दूंगा खड़ा, उसके बाद कल या परसों इसे निकालूंगा फिर चलाऊंगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू होना चाहिए। बाकी खैर, आपको करवानी अपनी कार की मैकेनिकल रिपेयर्स या फिर AC सर्विस, विंडस्क्रीन रिपेयर्स या कोई और इशू आपके कार के अंदर आ रहा हो, तो आपको इवन अगर गो मैकेनिक पे सर्विस करवानी हो तो आप आ सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। गो स्मैश चैलेंज तुम्हारे भाई का हो तो हो चुका है पूरा। और इसी के साथ ही मैंने ये भी देखना था मेरी कार में विंडस्क्रीन साइड से कहीं कोई रस्टिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो, वो भी दिखाना था, तो वो मैं देख चुका हूँ, सब ठीक है। विंडस्क्रीन मेरी जो डली है एक बार दिखाता हूँ, आ जाओ। आपको मैंने पहले दिखाई होगी विंडस्क्रीन, तो यहाँ पर इस बार जो लगाई है वो सेंट गोबेन की लगाई है, जाना माना ब्रांड है, ISI पार्ट 2, वो सारी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई थी। यहाँ 22 लिखा है, यानी 2022 में इसकी विंडस्क्रीन मैंने आज चेंज करवाई है, और जो ओरिजिनल थी वो मैंने खुद खोली है। तो ऐसा तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि अगर कभी इन फ्यूचर इसे बेचने की ज़रूरत पड़े तो मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, क्योंकि मेरे पास ये वीडियो होगी कि भाई तुम्हारे भाई ने अपने हाथ से फोड़ी है ये, कभी एक्सीडेंट रिपेयर में नहीं गई। इवन अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना हो तो सब कुछ गो मैकेनिक पे हो जाता है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बताना वीडियो कैसी थी, मेरा प्यार है, और मैंने इसकी बेहतरी के लिए ही ये काम किया। करते वीडियो एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और हाँ, वीडियो एंड में आपको मैं BTS जरूर देख के जाना, ये एक दो दिन बाद हटाऊंगा। बाय बाय। बाइक की पट्टी कर रहे हैं हम, ठीक है, इतनी पतली स्टार्ट है।